नमस्कार, मैं प्रिया, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने निकाली रिक्तियां। वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने ट्रेड अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 561 पद के लिए आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए ट्रेड की बात करें तो डीजल मैकेनिक, वेल्डर, फिटर, टर्नर, वायरमैन, मेसन, कारपेंटर, पेंटर, गार्डनर, फ्लोरिस्ट, पंप ऑपरेटर, वैज्ञानिक, हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी समेत अन्य ट्रेड शामिल किए गए हैं। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास 10वीं की योग्यता होना और साथ ही साथ ITI रेलिवेंट ट्रेड में होना अनिवार्य कर दिया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 27 फरवरी 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेबलिंक पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। बिहार बोर्ड के छात्र को परीक्षा में जूता मोजा पहन के जाने की मिली अनुमति। बिहार बोर्ड के छात्रों को अब BSEB ने हाल ही में जारी किए गए आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्र में जूता मोजा पहनकर जाने की अनुमति दे दी है। हालांकि कुछ दिनों पहले परीक्षा को सुचारू ढंग से करवाने के लिए परीक्षा हॉल में चप्पल में आने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इस पर छात्रों ने आपत्ति जताई थी। उसके बाद ही यह निर्णय लिया गया है कि परीक्षा में छात्रों को जूते में आने की अनुमति दे दी जाए। खबरों की माने तो सूबे में पड़ रही कड़ाके की ठंड को ध्यान में रखते हुए ही यह निर्णय लिया गया है। इस बाबत बोर्ड की तरफ से बीते दिन पत्र भी जारी कर दिया गया था, जिसमें ठंड की स्थिति को देखते हुए बोर्ड ने अपने पहले दिए हुए फैसले को मानने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें BSEB की परीक्षा कल यानी कि 1 फरवरी से शुरू होने वाली है, जो कि 13 फरवरी तक जारी रहेगी। निगम मद से अब पार्षदों को मिलेगी राशि। बीते दिन पटना नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक मेयर सीता साहू की अध्यक्षता में आयोजित करवाई गई, जिसके तहत बैठक में 6 एजेंडों पर मुहर लगी है। फैसला लिया गया है कि वार्डों के विकास के लिए नगर निगम अपने मद से सभी वार्ड पार्षदों को 1-1 करोड़ रुपए देगा। मिली जानकारी के अनुसार पार्षद प्राथमिकता के अनुसार अपने वार्डों में 12 महीने में 1 करोड़ रुपए खर्च कर सकेंगे। नगर निगम अपनी कमाई के हिस्से से पार्षदों को रकम उपलब्ध करवाएगा। नगर निगम में अगले साल अप्रैल और मई महीने में चुनाव होने हैं, इस लिहाज से यह फैसला अहम है। इतना ही नहीं, बैठक में इस बात पर सहमति बन गई है कि नगर निगम के सभी अंचलों के कार्यपालक पदाधिकारी अपने विवेक के आधार पर अपने अंचलों में विभिन्न प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 7.50 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। मछली उत्पादन में बिहार के आत्मनिर्भर होने की गिरिराज सिंह ने कही बात। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं भाजपा के बड़बोले नेता गिरिराज सिंह ने भी हाल ही में बिहार को मत्स्य पालन में आत्मनिर्भर होने की बात कही है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन पटना के वेटनरी कॉलेज सभागार में समीक्षा के दौरान कहा है कि कोरोना संक्रमण काल में भी कोऑपरेटिव के जरिए हम लोग लगातार किसानों से दूध लेते रहे हैं। आज भी भारत में गेहूं, चावल और गन्ना के बराबर ही दूध का मूल्य है, लेकिन पर कैपिटा दूध की खपत को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। बिहार मछली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ है, इसको लेकर भी हम लोग कई योजना का आरंभ करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि बिहार में तालाब में प्रति हेक्टेयर 5 टन से ज्यादा मछली का उत्पादन हो। बिहार में कोल्ड डे की स्थिति। बिहार में ठंड का असर लगातार देखने को मिल रहा है। वहीं ठंड के बढ़ते प्रकोप के कारण अब बिहार में कोल्ड डे की स्थिति देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार बिहार में फिलहाल ठंड और ज्यादा परेशानी बढ़ाने वाली है। आने वाले समय में ठंडी हवाओं की चाल थोड़ी बदल सकती है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में इस बात की संभावना है कि शुष्क और उत्तर पश्चिमी सर्द हवाओं की रफ्तार थोड़ी और बढ़ जाएगी, जिसके कारण की ठंड के इस माहौल में बिहार के कई जिलों में ठंड की स्थिति देखने को मिलने वाली है। 15,000 EVM से होगा पंचायत चुनाव। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी जोर शोर से देखने को मिल रही है। मई में आयोजित होने वाले इस चुनाव को लेकर तैयारी अब अपने अंतिम चरण में भी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर अहम जानकारी सामने आई है, जिसके तहत पंचायत चुनाव को 15,000 EVM के माध्यम से करवाए जाने की बात कही गई है। राज्य में पहली बार ईवीएम के जरिए पंचायत चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। हालांकि देश के कई राज्यों में पहले सफलतापूर्वक ईवीएम के जरिए पंचायत चुनाव कराए गए हैं। इसके लिए पंचायती राज विभाग द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार फरवरी में ईवीएम का खेप आना शुरू हो जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने करीब 120 करोड़ रुपए खर्च करने का बजट बनाया है। लोगों के नाटे होने पर पटना विश्वविद्यालय ने जताई चिंता। बिहार के लोगों के कम हो रहे कद को लेकर पटना विश्वविद्यालय ने चिंता जताई है। पटना विश्वविद्यालय की तरफ से जारी किए गए शोध के अनुसार पटना में 5 साल से कम उम्र के लगभग 48% बच्चे बौनेपन का शिकार है। इसके साथ ही 44% बच्चे कम वजन के हैं और 22% बच्चे कमजोर बताए गए हैं। पटना विश्वविद्यालय की माने तो बौनेपन के मामले में राष्ट्रीय सूची में बिहार पहले नंबर पर है। बाकी अन्य मामलों में बिहार फिलहाल 3rd और 10th स्थान पर है। केंद्र प्रभारी प्रोफेसर दिलीप कुमार की माने तो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में सबसे बड़ी बाधा कुपोषण है। हालांकि कुछ सालों में बच्चों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ भी मिला है। बिहार पंचायत चुनाव में मतदाता बनने का मिला आखिरी मौका। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बिहार में जोर शोर से तैयारी देखने को मिल रही है। हालांकि अब पंचायत चुनाव में मतदाता बनने का आखिरी मौका है। मिली जानकारी के अनुसार इस पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची में शामिल होने का सोमवार को आखिरी मौका है।
बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने 1 फरवरी को आखिरी तारीख तय की है। आवेदक का अपना नाम जुड़वाने के लिए तय आवेदन पत्र घ को भरना होगा। इतना ही नहीं, जनवरी 2021 में 18 साल पूरा करने वालों को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उन्हें सबूत पेश करना होगा। इसके साथ ही मतदाता बनने के लिए 8 में से 1 प्रमाण पत्र आपको देना होगा। रेल मंत्री ने इंदौर के राजेंद्र नगर स्टेशन पर ट्रेन के रुकने की कही बात। इंदौर शहर के पास स्थित राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पर लंबी दूरी की ट्रेन को 2 मिनट का स्टॉपेज दिए जाने की बात कही गई है और इससे राहवासियों की मांग को जल्द ही पूरा किए जाने की बात भी कही गई है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसको लेकर रेलवे अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया था। सांसद शंकर लालवानी पिछले दिनों इस संदर्भ में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर इस ओर ध्यान देने के लिए निवेदन कर चुके थे। अब गोयल ने संसद को एक पत्र लिखकर जवाब दिया है। मंत्री गोयल ने लिखा है कि राजेंद्र नगर स्टेशन पर ट्रेनों के स्टॉपेज बनाने के लिए उन्होंने रेलवे अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। अब संभावना है कि जल्दी महू के चलने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों को राजेंद्र नगर स्टेशन पर 2 मिनट का स्टॉपेज दिया जा सकेगा। बिहार में जल्द होगी कला विश्वविद्यालय की स्थापना। बिहार में बहुत जल्द ही कला विश्वविद्यालय की स्थापना होने वाली है। राज्य के कला संस्कृति मंत्री मंगल पांडे ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि राज्य में कला विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, जिसका प्रारूप भी विभाग तैयार कर रहा है। इसको लेकर राज्य के साथ और जिलों में प्रेक्षागृह खोलने की भी मंत्री ने घोषणा कर दी है। पुराने कलाकारों को भरोसा दिलाया गया है कि बिहार में कलाकारों को न सिर्फ सम्मान दिया जाएगा बल्कि उनकी प्रतिभा को भी पहचाना जाएगा। इस दौरान मंत्री ने भरोसा दिया है कि आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे काम किए जाएंगे जिनकी योजना बनकर तैयार है। विभाग द्वारा प्रदेश में कलाकारों को एक वृहद मंच देने के लिए राज्य स्तरीय सांस्कृतिक महाकुंभ और जिला स्तरीय सांस्कृतिक महाकुंभ का आयोजन होगा। संजय जायसवाल ने पिता के साथ तेजस्वी की राजनीति खत्म होने की कही बात। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने हाल ही में तेजस्वी यादव को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव के आह्वान पर बनाई गई मानव श्रृंखला पूरी तरह से फेल रही है। वो दिन के 11 बजे से 2 बजे तक पटना से नवादा के रास्ते में थे। उस दौरान कहीं भी मानव श्रृंखला नहीं दिखी। 2 जगहों पर कुछ लोग दिखे, शायद उन्हें भी नहीं पता होगा कि यह श्रृंखला क्यों बनाई जा रही है। संजय जायसवाल इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी यादव पिता के बल पर झूठ की खेती करते हैं। उनकी राजनीति इस चुनाव के साथ ही समाप्त हो चुकी है, जनता उनकी बातों पर भरोसा नहीं करती है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे आचार्य सारंगधर की। आचार्य सारंगधर एक शिक्षक, हिंदी लेखक, कवि, निबंधकार, कहानीकार और विद्वान है। उन्होंने हिंदी, एके, व्याकरण, निबंध, कविता और पर कई पुस्तकें लिखी हैं और भारत और विदेशों से प्रकाशित विभिन्न हिंदी और भोजपुरी पत्रिकाओं में एक नियमित स्तंभकार है। हिंदी के अलावा वो संस्कृत और भोजपुरी सहित कई भाषाओं के मास्टर है। संस्कृत के एक छात्र के रूप में जो शास्त्रों में डूबा हुआ था, उसने साहित्य शास्त्र को एक नई ऊंचाई दी और उसे सही मायने में हिंदी साहित्य का एक महान विश्लेषक माना जाता है। हिंदी साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 2011 में विद्यासागर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। बिहार में जल्द ही होगी बंपर बहाली। बिहार के इंजीनियर और पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए बहुत जल्द 1016 प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति होगी। विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन कराने का निर्णय लिया गया है। बहाली को लेकर विभाग पदों का रोस्टर तैयार कर रही है। जानकारी के अनुसार शीघ्र नियुक्ति के लिए आवेदन लिए जाएंगे। प्रयोगशाला सहायकों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर कराए जाने पर विचार चल रहा है। बता दें, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में बड़ी संख्या में गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति कराने का निर्णय लिया गया है। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने कंगना रनौत को रैप से कहा शुक्रिया। सुशांत सिंह राजपूत के गुजरे हुए जमाना गुजर गया है। हालांकि अभी भी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर उनके फैंस आए दिन सोशल मीडिया पर उनको लेकर कई बातें कहते रहते हैं। इसी बीच अब सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने कंगना रनौत को रैप के माध्यम से शुक्रिया अदा किया है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद से ही कंगना रनौत सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रही थी। सुशांत को न्याय मिले, इसको लेकर कंगना ने कई बार ट्वीट भी किए थे। ऐसे में अब एक कंगना रनौत के लिए एक रैप फैन ने बनाया है और अपने फैंस का कंगना रनौत ने भी धन्यवाद किया है। इसको शेयर करते हुए कंगना ने लिखा है, फैन द्वारा बनाया गया वीडियो अभी देखा, मेरे पास सिर्फ आपका प्यार, प्रशंसा और विश्वास है। कंगना के इस वीडियो के साझा करने के साथ ही रैप तेजी से सोशल मीडिया पर फैल गया है। प्रैक्टिस के दौरान जसप्रीत बुमराह ने उतारी अनिल कुंबले के एक्शन की नकल। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टीम के प्रमुख गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं। 2016 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद उन्होंने अपनी मेहनत और निरंतरता के दम पर टीम इंडिया में जगह पक्की कर ली है। वहीं अब जसप्रीत बुमराह का एक वीडियो सामने आया है। टीम इंडिया के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शनिवार को बुमराह की एक वीडियो शेयर की गई है, जिसमें वो महान गेंदबाज अनिल कुंबले की नकल
उतारते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज गेंदबाज बेहद शानदार तरीके से अनिल कुंबले की नकल उतार रहे हैं। बता दें कि कुंबले के नाम टेस्ट और वनडे क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है। वहीं इस वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है कि हमने अब तक जसप्रीत बुमराह को सटीक यॉर्कर और खतरनाक बाउंसर मारते देखा है। यहाँ हम बुमराह का एक वर्जन लाए हैं जिससे आपने कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार सरकार की तरफ से चुनाव के दौरान रोजगार मुहैया करवाने का दावा सफल साबित हुआ है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।